नमस्कार, मैं रजनीश ठाकुर और आप सभी सुन रहे हैं हिमाचल रेडियो बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं ताजा खबरों के साथ। खबरें फटाफट। NHM कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग संग मिलेगा रेगुलर पे स्केल। आज बिलासपुर पहुंचेंगे JP नड्डा, विजयपुर में घरेलू मांगलिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सियासी जंग जीतने को कांग्रेस ने उतारी फौज, 17 लाख लोगों को संबोधित करेंगे मोदी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, BM की रैली को बनाएंगे ऐतिहासिक। DC के साथ VC ने जांची व्यवस्था, अटल टनल का दीदार करेंगे राष्ट्रपति। खबरें विस्तार से। NHM कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग संग मिलेगा रेगुलर पे स्केल। NHM कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। इसके लिए फाइनेंशियल कैलकुलेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। 5 सदस्यीय कमेटी की तीसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि NHM कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर ही 2 साल के अनुबंध काल के बाद रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले इस बात पर संशय बना हुआ था कि कर्मचारियों को कितना अनुबंध काल पूरा करने पर रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि NHM कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से निर्यात पे स्केल दिया जा सकता है। आज बिलासपुर पहुंचेंगे JP नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार को अपने गृह जिला बिलासपुर आएंगे। अचानक बना उनका यह टूर घरेलू कार्यक्रम से संबंधित है। नड्डा विजयपुर में ही अपनी बड़ी बहन के नवनिर्मित घर के गृह प्रवेश पर आयोजित किए जा रहे मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी घरेलू कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नड्डा अपने निजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर घर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे वह सुनहानी से हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ जाएंगे, जहाँ से हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सियासी जंग जीतने को कांग्रेस ने उतारी फौज। 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संघ महासचिव, सचिव, प्रवक्ता तैनात, वीरभद्र समर्थकों की वापसी। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश में पार्टी के कुंडे से विस्तार किया है। हाशिए पर धकेले गए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के करीबियों की वापसी हुई है। नई नियुक्तियों में ठाकुर सिंह भरमौरी और रंगीला राम की वापसी हुई है। पूर्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने 1 ही विधानसभा से ज्यादा पदाधिकारियों को शामिल करने पर नाराजगी जताई थी और दोबारा उन नेताओं को अवसर की बात कही थी जिन्हें पूर्व में पदों से वंचित रखा गया। अब इसके नए पदाधिकारियों का फैसला हुआ है। 17 लाख लोगों को संबोधित करेंगे मोदी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, PM की रैली को बनाएंगे ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला में एक विशाल रैली में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री शिमला से पूरे देश की विभिन्न योजनाओं के 17 लाख लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर 31 मई को रिज में होने वाली रैली को लेकर भाजपा सुरेश कश्यप ने प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार 30 मई को अपने 8 साल पूरे करने जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को एक विशाल रैली में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पूरे देश में शिमला से 17 लाख लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में शिमला संसदीय क्षेत्र के 50,000 लोग शामिल होंगे। इस इवेंट को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। DC के साथ VC ने जांची व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में 10 जून को होने जा रहे दीक्षांत समारोह को भव्य रूप से मनाए जाने की तैयारियां जोरों से चल रही है। विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत कर रहे हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति आने वाले 11 जून को अटल टनल रोहतांग के दीदार करेंगे। इस दौरान उनके साथ परिवार के सदस्य भी होंगे। जानकारी के अनुसार 11 जून को उनके आने की जानकारी जिला प्रशासन के पास भी पहुंच चुकी है। ऐसे में अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अटल टनल रोहतांग का दीदार करेंगे। जुड़े रहिए हमसे अधिक अपडेट के लिए और देखते रहिए हिमाचल रेडियो बुलेटिन। धन्यवाद।